हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूँ प्रीति। सो मैं मेरी प्रेगनेंसी के 36th वीक में हूँ और मैंने अभी अपना हॉस्पिटल बैग पैक करना स्टार्ट किया है, जो कि अभी मदर एसेंशियल्स है। अभी फिलहाल मैंने वही सारी चीज़ें अरेंज की है और मैंने पैक करना स्टार्ट किया है। सो आई थॉट कि एटलीस्ट मैं मदर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है हॉस्पिटल बैग में मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ में मदर एसेंशियल्स हॉस्पिटल बैग के लिए शेयर करने वाली हूँ। फिर भले ही आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हो या फिर नॉर्मल से हो, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही। मैंने जब मेरा हॉस्पिटल बुक कराया डिलीवरी के लिए, तो वहाँ से मुझे एक प्रॉपर लिस्ट मिली है कि मुझे अपने लिए क्या चीज़ें लेकर आनी है एंड बेबी के लिए मुझे क्या चीज़ें लेकर आनी है। तो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सारी पैकिंग की है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल खुद प्रोवाइड करता है तो वो चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं, कुछ मैं नहीं रखूँगी। तो जल्दी से मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ले जा रही हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में। एंड मोस्टली चीज़ें मैंने अमेजोन से मंगवाई हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स की जो बाइंग लिंक जो भी मैंने अमेजोन से मंगवाई है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये माई हॉल स्टोर के थ्रू स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो जब भी हम हॉस्पिटल बैग की बात कर रहे होते हैं तो बैग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरे पास में ऑलरेडी ट्रैवलिंग बैग्स बहुत सारे थे, आपके घर में भी बहुत सारे होंगे, तो आप कोई सा भी एक अच्छा सा ट्रैवलिंग बैग ले लीजिए। मैं तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रैवलिंग बैग मैं ले जा रही हूँ एज हॉस्पिटल बैग, बिकॉज इसमें मेरे और बेबी हम दोनों के ही सामान आराम से आ जाएगा। दो तीन बैग्स, चार पांच बैग्स रखने से बेटर है कि एक ही बड़ा बैग रखें जिसमें कि एटलीस्ट मदर और बेबी का सारा सामान आ जाए। हाँ, और फिर अगर आपके साथ में आपका केयर करने के लिए आपके हस्बैंड या फिर फैमिली से कोई भी जाने वाला है तो उनका बैग एक छोटा सा अलग से कर लें। अदरवाइज मदर और बेबी का बैग अगर एक ही रहता है तो चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड रहती हैं। एंड यस, अंदर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको जब मैं बेबी का बैग शेयर कर रही हूँगी तब मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को अरेंज करा है, ताकि मेरे साथ में जो भी रहे वो बहुत ईजिली बैग को देख करके उसमें से सामान निकाल सके। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ आपको जब मैं बेबी का बैग शेयर करूँगी ना तब आपको पता चलेगा, बिकॉज अभी मैंने बेबी की सारी चीज़ें ली नहीं है, धीरे धीरे अभी आ रही हैं। जैसे मुझे सारी चीज़ें रिसीव हो जाएंगी तब मैं आपको बेबी के भी एसेंशियल्स दिखाऊंगी एंड मैंने इस बैग को प्रॉपर किस तरीके से पैक किया है वो भी दिखाऊंगी। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको आपकी फाइल्स कैरी करनी है, आपको आपके आईडी प्रूफ्स कैरी करने हैं, फोटोकॉपी जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। देन आपको अगर आपका कोई इंश्योरेंस है तो उसके पेपर्स रेडी करके रखने हैं, बिकॉज इंश्योरेंस के पेपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको इमीडिएटली पड़ेगी, फिर उस टाइम आप परेशान होंगे। तो इससे बेटर है ये तीन चीज़ें बिल्कुल ध्यान से रख लें। अपना जो भी फाइल है जिसमें आपके पूरे ट्रीटमेंट पूरी हिस्ट्री है वो रखें, आप अपना आईडी प्रूफ रखें एंड आप अपना इंश्योरेंस क्लेम रखें। तो अभी फिलहाल मैं आपको सारे ए टू जेड एसेंशियल्स दिखा देती हूँ, जो चीज़ मेरे सामने पड़ी है वो दिखा देती हूँ। तो मैंने ये मैटर्निटी पैड्स मंगवाए हैं जो कि है पी सेफ ब्रांड के, इसमें आपको 8 पैड्स मिलते हैं और ये 200 समथिंग का है और साइज़ वगैरह काफ़ी डिसेंट है इन पैड्स की। वैसे हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल एडल्ट डायपर्स पहनवाते हैं, बट मैंने फिर भी सेफर साइड ये जो मैटर्निटी पैड्स होते हैं बड़े वाले, खैर मैटर्निटी पैड्स बड़े ही होते हैं, ये मैंने मंगवा लिया है। एंड आई थिंक 8 सफिशेंट है, बिकॉज इनिशियल के कुछ डेज में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, सो होपफुली 8 से काम चल जाएगा, नहीं तो हॉस्पिटल में भी मिल जाता है। तो मैंने ये एक पी सेफ का, अगर आप देखेंगे तो मैंने मैटर्निटी पैड्स मंगवाए हुए हैं। पी सेफ एक्चुअली मुझे ब्रांड बहुत पसंद है, बिकॉज इनके रेजर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने मैटर्निटी पैड भी इसी का मंगवाया। देन मैंने ये यूज एंड थ्रो पैंटीज मंगवाई हैं। इन पैंटीज को मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं, ऑफकोर्स मैटर्निटी पर्पज से तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा लोग स्विमिंग पे स्पा के लिए जा रहे हैं, मतलब जहाँ पर उन्हें अपनी अंडर गारमेंट ज़्यादा कैरी ना करना पड़े तो वो लोग यूज़ एंड थ्रो यूज़ करते हैं। तो मैंने ये एक पूरा सेट मंगवाया है यूज एंड थ्रो पैंटीज का, जो कि वहाँ पर यूज़ करके हॉस्पिटल में वहीं पर फेंक दो, वो वॉश करके घर लाना हर वक्त वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बेस्ट है कि आप यूज़ एंड थ्रो पैंटीज यूज़ करें जब आप हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं, तो ताकि
ईजी रहे हर किसी के लिए. बट मैंने फिर भी ये कॉटन की दो पैंटीज रख ली है, बिकॉज जो मेरे हॉस्पिटल से मुझे लिस्ट मिली थी उसमें कॉटन पैंटीज मेंशन थी, तो मैंने ये दो कॉटन पैंटीज रख ली है. इफ़ इन केस मुझे इसमें कंफर्टेबल नहीं लगा तो ये यूज़ करने का, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये जो पर्टिकुलर यूज़ एंड थ्रो पैंटीज हैं इसको ही यूज़ करना होगा. देन मैंने ये तीन मैटर्निटी ब्राज मंगवाए हैं. ये तीनों का सेट था, काफ़ी अफोर्डेबल था, तो मैंने ये मंगवा लिया. एंड मैटर्निटी ब्राज बहुत अच्छी होती हैं, मैंने टिमटिम के टाइम पर भी यूज़ किया था, तो ओवरऑल अच्छी होती है. फीड कराने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है. पहली चीज़ तो ये डबल कपड़ा होता है यहाँ पर, और फिर ईजिली आपको जब फीड कराना है, आपने यहाँ से ओपन करा, फीड कराया और फिर बंद कर दिया. तो मैंने ये तीन मंगवाए हैं, बट मैं तीनों नहीं ले जाऊँगी हॉस्पिटल, मैं सिर्फ दो ले जाऊँगी हॉस्पिटल, या फिर शायद एक, देखते हैं. एंड फिर उसके बाद में मैंने ये ब्रेस्ट पैड्स मंगवाए हैं लव लैप ब्रांड के, बिकॉज जब आपको अच्छे से ब्रेस्ट फीड आने लगता है तब आपको इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है. तो मैं ये पूरा डब्बा नहीं रखने वाली हूँ, मैं हार्डली 3 pairs रखूँगी, मतलब 6 pads ही रखूँगी, जो कि मुझे लगता है ज़्यादा, बिकॉज हॉस्पिटल में पूरे टाइम ये लगाकर कोई नहीं रखता. ऑफकोर्स जब आप हॉस्पिटल से घर आ रहे होंगे तभी इसको लगाने की ज़रूरत पड़ती है. एंड ओवरऑल एक यूज़फुल प्रोडक्ट है, मस्ट बाय है ये मैं नहीं बोलूँगी, बट येस अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं. एंड आई होप हर मदर को इसकी ज़रूरत पड़े, कि उनका फीड इतना अच्छा हो कि उन्हें ये लगाने की ज़रूरत पड़े. बट मैंने टिमटिम के टाइम इसको यूज़ नहीं किया था, लेकिन मुझे पता है इसकी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर जा रहे हैं और अगर आपका बच्चा छोटा है, जस्ट अच्छे से आपको फीड आना स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. तो मैं तो सिर्फ इसमें के आई थिंक 2 pair ही रखूँगी अपने हॉस्पिटल बैग में, उससे ज़्यादा नहीं. 2 pair बोले तो सिर्फ इतने ही रखूँगी मैं, उससे ज़्यादा नहीं. आई थिंक एक के अंदर सिर्फ एक ही है, मैं ये भी श्योर नहीं, मैंने इसको ओपन नहीं किया है. तो इसमें बहुत सारे हैं, ये 100 something का है, एंड इसमें टोटल आपको 24 पीसेस मिल जा रहे हैं इंडिविजुअली पैक्ड. यस, तो ये मतलब वही है कि ये दो आप एक बार में यूज़ करोगे, एंड ये दो एक बार में यूज़ करोगे, तो मैं सिर्फ ये 4 ही रखूँगी अपने हॉस्पिटल बैग में, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देन मेरे हॉस्पिटल बैग में मेंशन था कि मुझे सॉक्सेस रखनी है, तो मैंने ये 2 pair रख लिए हैं सॉक्स के. मेरी एक्चुअली आदत है एक के अंदर एक डाल के रखने की, तो इससे क्या होता है सॉक्स मिसप्लेस नहीं होते हैं, तो मैंने ये 2 socks रखा है. वैसे तो मेरी डिलीवरी गर्मी आ चुकी है, क्योंकि गर्मी में ही होनी है, बट फिर भी क्या होता है कई बार डिलीवरी के बाद में मदर को बहुत ज़्यादा कपकपी आने लगती है, ठंड लगती है, तो इसलिए सॉक्स होना ज़रूरी होता है. देन मैंने ये एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ रखा है, जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अभी इस कोरोना टाइम पर तो हमें अपने पास रखना ही चाहिए, जो कि है ये बहुत सारे डिस्पोजेबल मास्क. ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाए थे, एंड 100 masks मैंने मंगवा करके रखे हुए हैं, 100 masks 200 something के. मैं लिंक सारे मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना. मास्क के साथ में मैंने ये हैंड सैनिटाइज़र भी रखा है, जिसको मैंने कामा के रोज़ वाटर के बॉटल में डाल दिया है. एंड इसके अलावा मैंने ब्रशेस भी रखे हैं, और टूथपेस्ट भी. वैसे ब्रश टूथपेस्ट ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाएगा, बट स्टिल फॉर सेफर साइड मैंने रख दिया है. तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें मेरा मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें हैं. उसके बाद में एक स्लिपर बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल में पहनने के लिए. देन एक हैंड टॉवल रखा है. देन मैंने ये 2 छोटे-छोटे स्कार्फ्स रखे हैं, बैंडना भी बोल सकते हैं जिसको आप, जो मेरे कानों को बांधने के लिए, ढकने के लिए रखे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो एकदम स्कार्फ वगैरह की ज़रूरत है. तो मैंने ये जो नॉर्मल बैंडनाज आते हैं, ये भी अमेज़ॉन के ही हैं, ये मैंने रखे हुए हैं, ताकि मैं सिर्फ हेड बांधूँ अगर से ज़रूरत पड़ती, बिकॉज मम्मी लोग अक्सर बोलते हैं सिर बांध के रखने हो, तो मैंने सेफर साइड रख लिया है कि अगर मेरी भी मम्मी लोग बोलेंगे बांधो तो मैं बांधूंगी. ऐसे टिमटिम भी समर्स में ही हुई थी, और मुझे याद है कि मैंने बहुत कम बांधा था, तो इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम बांधूंगी, बिकॉज आजकल कोई सब सारी गर्ल्स या मम्मीज जो होने वाली मम्मीज होती है ना, बहुत कम ही होता है कि बड़ों की सुनते हैं हम और फिर बाद में पछताते भी हैं. तो ये कुछ इस तरीके का बंधेगा, तो देखने में भी ठीक लगेगा, एंड मेरा पर्पस भी फुलफिल हो जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट गर्मी नहीं लगेगी वो बड़े बड़े स्कार्फ की वजह से. तो इसलिए मैंने ये बैंडनास लिए हैं अपने हेड को कवर करने के लिए.
फिर इसके बाद में मैंने ये दो फीडिंग गाउन्स रखे हैं. वैसे मेरे जो हॉस्पिटल से जो लिस्ट मिली थी उसमें सिर्फ एक ही कोई सा ड्रेस लिखा था और एक होम कमिंग ड्रेस लिखी थी. तो टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक कि मेरी होम कमिंग ड्रेस डिसाइड नहीं की है, इसलिए मैं वो आपके साथ में नहीं शेयर कर रही हूँ. मैं खुद ही कन्फ्यूज हूँ कि मैं घर आने के लिए कौन सी ड्रेस रखने वाली हूँ. मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है. तो मैंने सिर्फ अभी ये दो फीडिंग गाउन्स रखी हैं. ये दोनों ही अमेजोन से हैं. मटीरियल वाइज दे आर वेरी गुड, मतलब सुपर कम्फर्टेबल. एंड डबल एक्सल साइज मैंने मंगवा करके रखा है जो कि बहुत बड़ा है. अभी मुझे बड़ा होता है तो बेबी होने के बाद तो ऑफकोर्स पेट अंदर जाएगा तो फिर बड़ा ही होगा, बट मुझे गाउन्स कंफर्टेबल ढीली ढीली पसंद है. ये गाउन्स मुझे क्यों पसंद है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसी पूरी जिप है तो आपको फीड कराने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इसलिए मुझे ये गाउन्स अच्छी लगती हैं. तो ये दो गाउन्स मैंने, होजरी कॉटन टाइप का मटेरियल है ये, मैंने रखा है. इस वेदर में मुझे अच्छी भी लगेगी एंड देखने में भी काफ़ी कूल है, बिकॉज ये एंकल लेंथ से ऊंची है. मतलब वो प्रॉपर बड़ी वाली जो गाउन होती है ना वैसी नहीं है, थोड़ी सी स्मार्ट लुक वाली गाउन है. तो ये दो गाउन्स रखे हैं मैंने. इसके अलावा मैंने ये एक पाउच रखा है जिसमें कि मेरे रबर बैंड्स हैं, कोम है, देन क्लचर है, फेस वॉश है, देन मॉइस्चराइजर्स हैं. एक बस मैंने लिपस्टिक का शेड रख लिया है कि घर आते टाइम अगर मेरा मन करा तो मैं ये बहुत ही न्यूड सा शेड है ये लगा लूँगी. देन मैंने लिप बाम रखा है, या फिर जिसको बोरो प्लस भी बोल सकते हैं, बोरोलिन रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, बिकॉज मुझे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का याद है. लिप्स इतने ड्राई हो जाते हैं, स्किन पूरी ड्राई होने लगती है ऑपरेशन के बाद में. टिमटिम ऑपरेशन से हुई थी, मतलब बहुत हालत ख़राब हो जाती है, और उस वक्त मैंने नहीं रखा था ये सब कुछ भी, तो बहुत फील होता है. तो इसलिए मेक श्योर कि आप अपने पास में लिप बाम या फिर बोरो प्लस या बोरोलिन रखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा. फेस मॉइस्चराइजर रखना बिल्कुल मत भूलना, कोम्ब रखना, रबर्स रखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे रखनी है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कैमरा, जिससे कि मैं अभी आप लोगों के साथ में बात कर रही हूँ. मुझे कैमरा रखना है जस्ट बिकॉज व्लॉगिंग के लिए ही नहीं, व्लॉगिंग तो करूँगी ही मैं, बट मुझे मेरी मेमोरीज़ को कलेक्ट करके रखने के लिए भी कैमरे की ज़रूरत है. तो इसलिए आप लोग भी रख सकते हैं. इवन मेरे जो हॉस्पिटल से मुझे लिस्ट मिली ना उसमें भी ये मैंशनड है कि डिजिटल कैमरा, बैटरी, चार्जर, हर चीज़ रखने को, बिकॉज आजकल आई थिंक हर कोई कैरी करता है अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर करने के लिए. तो मुझे ये कैमरा रखना है एंड मुझे एक टाल रखना है, बड़ा टाल मेरे लिए, दैट्स इट. इतनी सी ही सिर्फ असेंशियल चीज़ें हैं जो कि एक मदर को जिनकी ज़रूरत है डिलीवरी के टाइम पर. तो अब ये सारी चीज़ें मैंने फैला ली है, इनको मैं सॉर्टेड करती हूँ. बट मैंने इनको अरेंज कैसे किया है प्रॉपर, ये आपको जब मैं बेबी का हॉस्पिटल बैग शेयर करूँगी ना तब इस पूरे बैग में अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज करके दिखाऊँगी. तो जैसे मैंने आपको अभी जितनी भी चीज़ें दिखाई है ना, वो सारी चीज़ें मैं इस बड़े से पाउच में करके मेरे बैग के अंदर रखने वाली हूँ, ताकि मेरी सारी चीज़ें सिर्फ इस पाउच के अंदर ही रहे, कुछ भी इधर उधर बाहर ना रहे, ताकि जो भी मेरे साथ हो उसको कन्फ्यूजन ना हो. सो यहाँ फिनिश हो रहा है मेरा ये वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.